हम देखेंगे पॉलिटी से अनुच्छेद जो कि बिहार पुलिस के लिए 2 से 3 नंबर तो आराम से पूछता है। चलिए देखते हैं और भी एग्जाम के लिए है। संघ और उसके क्षेत्र 1 से 4 तक, नागरिकता 5 से 11 तक, मूल अधिकार 12 से 35 तक, राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक और मूल कर्तव्य 51 के में संघ 52 से 151 तक, राज्य 152 से 237 तक, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य तो इसका हो जाएगा 238, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 243, पंचायतें 243 क से 18 तक, नगर पालिकाएँ 243 त से 6 तक। इसके बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 से 244 क तक, राज्य संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से 263 तक, वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद 264 से 301 तक, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307 तक, संघ और राज्य के अधीन सेवाएँ 308 से 323 तक, अधिकरण 323 क से ख तक, निर्वाचन 324 से 339 क तक, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक, राजभाषा 345 से 351, आपात उपबंध 352 से 360, प्रकृत 361 से 367 तक, और संविधान का संशोधन 368, अस्थाई संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक, और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक, भारत संविधान के विशेष स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस सब से पूछता है क्वेश्चन, ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, आयरलैंड नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, राज्य के संबंध में शक्तियों का विभाजन, जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, कनाडा संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उसमें कुछ
बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें संख्या 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। चलिए आगे देखते हैं, राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित में से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में 62 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थी। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नवीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। दसवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची यह संविधान में 92वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें 10 दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ग्यारहवीं अनुसूची, यह अनुसूची में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार, तो ये आप लोग 14 से 18 तक में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 में भाग 3 में दिया गया है।
इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में भारतीय संविधान नागरिकों को दिया गया है। वाक्य उन चलिए मैंने बोलने की शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब याद रखिएगा, सब धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा रुक रुक कर वीडियो। 29-30 के अंतर्गत अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 में अंतर्गत प्राप्त अधिकार है, तो किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित करने, भाषा या लिपि बचाने के विषय में है। शिक्षा सब सब दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं वीडियो को रुक रुक कर। 32वें संविधान उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नीति सिद्धांतों का तो 36 से 51 तक